यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। किस वजह से हुए और क्या इसमें स्टूडेंट ही थे या और भी कोई लोग थे? देखिए, अभी आज जो मॉब धारावी में अशोक मिल कंपाउंड में जमा हुई थी, उसमें मोस्टली स्टूडेंट्स हैं और उनका बेसिकली डिमांड यह है कि हमारा जो लास्ट ईयर कोरोना की वजह से ऑनलाइन पद्धति में जो एजुकेशन हुई है, तो उसी हिसाब से 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होने चाहिए, ना कि ऑफलाइन। तो उस डिमांड को लेकर वो इधर आए थे। उनको बहुतों को हमने कन्विंस किया और कन्विंस करके हमने वापस भेजा, और उसके बाद काफ़ी उन्हें कन्विंस किया गया कि ये जो डिमांड्स हैं वो कैसे प्रॉपर तरीके से प्रॉपर चैनल के थ्रू आप भेजें, एंड उसके बाद काफ़ी लोग उसको मान के डिस्पर्स भी हुए, और जो नहीं हुए उनको हमने अपने तरीके से कन्विंस करते हुए, पुश करते हुए हमने उनको डिस्पर्स किया। सर, ये बताया जा रहा है, स्टूडेंट का कहना है कि कोई हिंदुस्तानी भाऊ है जिसकी कहने पर वो लोगों ने यहाँ आंदोलन लिया, क्या उस पर भी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है? अभी पूरा वस्तुस्थिति जानते हुए, आफ्टर दिस इवेंट इज़ ओवर, जो भी इशू है और क्या कैसे ये हुआ उसका पूरा इंक्वायरी किया जाएगा, और उस हिसाब से जो इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। सर, स्टूडेंट की एक शिकायत ये भी थी कि पुलिस 17 साल के 15 साल के बच्चे थे उन पर हाथ उठाया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है, और जो भी पद्धति है अभी आप सभी को पता है 144 लागू है, और इसमें 500-600 की मॉब को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें आसपास की कायदे और सुव्यवस्था की जो एक एक सिचुएशन है, उसकी जो एक अहमियत है, उसको ध्यान में रखते हुए, सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए हमने उन्हें सिर्फ प्रॉपरली डायरेक्ट किया और डिस्पर्स किया। सर, अभी जो पूरी घटना हुई इसको पुलिस किस नज़रिए से देख रही है, किस तरह से आगे कार्रवाई होगी? इतना टाइम नहीं है मेरे पास ना, तुम हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पे